भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से पूर्व विधायक चरण वाघमारे का नाम सामने आ रहा है। नाना पटोले के लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होने के कारण अब कांग्रेस में कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, इसलिए बीआरएस विदर्भ के संगठक चरण वाघमारे के नाम पर अब कांग्रेस की ओर से जमकर चर्चा हो रही है। चरण वाघमारे ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के नेता चरण वाघमारे के संपर्क में है, तो अब बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। माझ्याकडे महाविकास आघाडी मधले काँग्रेस राष्ट्रवादी गटातले बरेच लोक अप्रोच झाले, काही पदाधिकारी होते, त्यांनी माझ्या समोर हा विषय ठेवला होता की चरणभाऊ तुम्ही लोकसभा लढणार असाल तर आम्ही तुमचं नाव आमच्या पक्षामध्ये चालवतो। मी त्यांना हेच सांगितलं की सध्या मी बीआरएसमध्येच आहे, बीआरएसनी महाराष्ट्रातलं काम थांबवल्यामुळे मी आता मोकळा झालो आहे, समजा पक्ष पूर्ण तयारीशी मला मदत करणार असेल तर मी वेळेवर निर्णय माझ्या समर्थकाशी चर्चा करून घेऊ शकतो, अशा प्रकारची चर्चा झाली आणि मोठ्या प्रमाणात मला लोकांचे फोन आले, प्रतिसाद मिळाला, मीडियावर बातम्या चालल्या, त्यामुळे जर पक्षाने तशी संधी दिली तर विचार करेल। मला राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांचे फोन आले, शरद पवार गटाच्या, काँग्रेसमध्ये जिल्हा स्तरावरच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मला फोन करून विचारला, मी नानाभाऊ समोर प्रस्ताव ठेवतो, प्रत्यक्ष नानाभाऊशी अशी चर्चा कुठली झाली नाही। भंडारा गोंदिया जिल्हा वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669 1517 57 पर।